अलकुम दोस्तों ये कुत्ता दिखने में तो इतना ख़ूबसूरत नहीं है लेकिन इसकी फुर्तीली चाल और इतनी तेज़ स्पीड के ये अपने शिकार पर ऐसे मिनटों सेटों में झपट लेता है लोग इसे रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं रेसों में दौड़ाते हैं मुकाबलेबाजी करवाते हैं उसके अलावा जो शिकारी लोग हैं ख़ास तौर पर शिकार करने वाले वो इसको अपने शिकार में इस्तेमाल करते हैं जंगलों में वैरानों में मैदानी इलाकों में ये हर तरह के हर जगह पे रेगिस्तान में ये अपनी ये पहचान बनाए हुए है ये शिकार को ऐसे जकड़ता है कि मिनटों से किन्टों में उसको अपना शिकार बना लेता है दोस्तों अगर कीमत देखी जाए तो ये तकरीबन पंद्रह से बीस लाख के दरमिया इसकी सेल है ये इसका रेट कई कुत्तों पे लग चुका है क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसको पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी कुत्ते हैं इस ये इसको ग्रीन हुंड के नाम से भी जाने जाते हैं बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तानी ये कुत्ते पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाए हुए हैं और बहुत सी ऐसी ओलंपिक रेसों में ये हिस्सा ले चुके हैं और पाकिस्तान को जितवा चुके हैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं तो इस हिसाब से पाकिस्तान में ये बहुत ही नायाब हैं बहुत कम मिलते हैं लेकिन जिन लोगों के पास हैं उन्होंने इनकी बहुत केयर की हुई है और अगर इनकी खुराक के हिसाब से देखा जाए तो ये लस्सी दही दूध उसके अलावा मक्खन और कीमा भी इसको खिलाते हैं लेकिन इसकी वृद्धि का जो है वो खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि इसकी दुबला पतला